स्कोडा एक ऐसी कंपनी है जो अपने लग्जरियस और प्रीमियम ब्रांड के नाम पर जानी जाती है। इसकी सारी कारें काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और लग्जरी होती हैं, क्योंकि ये कंपनी कभी अपनी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ तो नहीं करती है। लेकिन इस कंपनी ने इंडिया के कार मार्केट को देखते हुए उन्होंने कम बजट में एक ऐसी कार को लॉन्च किया है जो सस्ती, टिकाऊ और सेफेस्ट है। जी हाँ, मैं स्कोडा रैपिड की बात कर रहा हूँ, जो हर मामले में अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। चले, इसलिए मैं आपको इस कार के कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा जो इस कार को ज़बरदस्त और धुआंधार बनाती है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में 10 में से 8 टू व्हीलर केवल होंडा, बजाज और हीरो की ही सेल होती है। सोचिए क्या ज़बरदस्त सेलिंग है इन कंपनियों की। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए पहले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो इस कार को वाकई में ज़बरदस्त बनाती है। वो पहला पॉइंट है स्पेस एंड कंफर्ट। अगर स्पेस कंफर्ट की बात करूँ तो यह कार जो है वो मिड साइज सेडान में आती है, और जिस सेगमेंट में यह कार आती है उस सेगमेंट के हिसाब से इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस और कम्फर्ट प्रोवाइड करती है। और इसमें भी काफ़ी अच्छा आपको लेग रूम, हेड रूम भी मिल जाता है, थाई सपोर्ट भी ठीक ठाक मिल जाता है। सीट की कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेडान में जितना कंफर्ट की आप उम्मीद करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही आपको कंफर्ट सीट में मिल जाता है। काफ़ी अच्छी कुशनिंग है किस सीट की। और रही बात 3 लोगों को बैठने की, तो हाँ 80 केजी से कम 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, लेकिन उनका वेट 80 केजी से कम होना चाहिए। चलिए अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं जो इस कार को वाकई में एक ज़बरदस्त कार बनाती है, वो है इंजन। इस कार में आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है जो पोलो से लिया गया है। इस कार के इंजन जो है 1 लीटर के 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 108 पीएस की पावर देता है 175 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। काफ़ी ज़बरदस्त इंजन है। बजट और सेगमेंट की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा पावर प्रोड्यूस करता है पेट्रोल इंजन में, क्योंकि पेट्रोल इंजन में इतना अच्छा आपको पावर नहीं देखने को मिलता है। चाहे आप सिटी ले लीजिए, चाहे आप वरना ले लीजिए, इस इंजन में इतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको चलाने में जिस तरह से आपको पोलो TSI को चलाने में मज़ा आता है। अगर ड्रैग रेस की बात करें तो आप चाहें तो ड्रैग रेस देख सकते हैं कि कौन सी कार किस पानी में है, चाहे वरना हो चाहे सिटी हो, सबकी ड्रैग रेस आप इससे देख सकते हैं पेट्रोल इंजन की, जिससे आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कार कितने पानी में है, इस कार का इंजन कितना पानी में है। पोलो जैसे इंजन, TSI इंजन मिल पाना इस कार के लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होता है। चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं जो वाकई में इस कार को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती है, वो हैंडलिंग और स्टेबिलिटी। अगर हैंडलिंग की मैं बात करूँ तो स्कोडा जैसी कंपनी अपनी हैंडलिंग के साथ कभी समझौता नहीं करती है। इस कार की हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। सेगमेंट में अगर मैं बात करूँ, सेगमेंट में रैपिड एक ऐसी कार है जिसको इतना ज़्यादा ज़बरदस्त हैंडलिंग मिलती है, जो काफ़ी अच्छा कॉर्निंग भी करती है। ये कार जो ड्राइविंग के शौकीन हैं उनके लिए ये कार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा, जब क्योंकि इस कार की हैंडलिंग इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त है कि जब आप चलाएंगे तो वाकई में कॉर्निंग करने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी भी इस कार की काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है, क्योंकि इस कार में आपको 195 किलोमीटर प्रति घंटा की टॉप स्पीड देखने को मिलती है। और इतनी ज़्यादा टॉप स्पीड, अगर आप इस कार को 150 से 170 के बीच में चलाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये कार आपको 150 की स्पीड पार कर चुकी है। इस कार की हैंडलिंग और स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त मिलती है और इस कार को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाती भी है। अगला पॉइंट शुरू करने से पहले एक फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में 1000 लोगों में से 85 लोगों के पास टू व्हीलर होता ही होता है हर हाल में। ये सबसे बड़ा फैक्ट एक सर्वे में निकला था। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चलिए जो अगला पॉइंट है, जो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग पॉइंट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा बेहतर लगता है और मेरा फेवरेट पॉइंट है, वो है बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी फीचर्स। स्कोडा अपने बिल्ड क्वालिटी के साथ कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, ये सबको पता है। स्कोडा रैपिड की बिल्ड क्वालिटी जो है उसमें बैठने के बाद पता चलता है। अगर आप इस कार को देखेंगे ना तो भी इस कार की बिल्ड क्वालिटी का एहसास आपको होने लगेगा, लेकिन जब इस कार में आप बैठेंगे तो इसकी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी आपको एकदम दीवाना बना लेगी। इतने कम बजट में भी इस कार की बिल्ड क्वालिटी इतना काफ़ी बेहतरीन मिल जाती है आपको। स्कोडा ने सेफ्टी फीचर्स में भी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ी है। जरूरत के सभी सेफ्टी फीचर इस कार में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हो गया 4 एयरबैग हो गए, ABS, CVT, ब्रेक असिस्ट, सीट बेल्ट, स्पीड टेंसनर, जैसे सभी सेफ्टी फीचर्स भी आपको इस कार में मिल जाते हैं। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट बन जाता है जो इस कार को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बनाता है।
चलिए अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो वाकई में सबसे ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है, वो वैल्यू फॉर मनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कोडा जैसी प्रीमियम ब्रांड की ये कार आपको होंडा सिटी से 1.5 लाख रुपए तकरीबन सस्ती मिल रही है और वरना से लगभग 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है। इस कार की प्राइस 7 लाख से लगभग स्टार्ट होती है और 12 लाख तक लगभग जाती है, इसलिए ये कार काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी हो गई है। इतनी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी कार स्कोडा लॉन्च कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए इस कार की इतनी ज़्यादा वेटिंग आ रही है। ये सबसे बड़ी खासियत है इस कार की कि सब कुछ आपको इतने कम दाम में देखने को मिल रहा है और आप खरीद रहे हैं इस कार को। वाकई में इस कार की बहुत बेहतरीन प्राइसिंग स्कोडा ने सेट की है इस बजट में। चलिए, मैं आशा करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।